एक इधर लगाओ ना। जवान का है वो कुर्सी पीछे से निकालिए ना, आपने एक कुर्सी छोड़ दीजिए, फोटो हो जाए उसके बाद बैठ जाइए। कमल साहब क्या कहेंगे? आ गए, प्रेस रिलीज मार दो। अरे नहीं बैठो ना, तुम बैठो, करेगा इधर आ जाओ साइड में, लगाइए कुर्सी और साथ में पीछे किसी ना कुर्सी, एक लाइन एक सीधा लगा चंदन, आप लोग भी आ जाइए इधर जगह मिले उधर खड़े हो जाओ। आप जवान इस तरफ, आप इधर आओ, बस तो अखिलेश को बैठाइए ना, जगह कम है उसके लिए सॉरी एडजस्ट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए ना, आएगा थोड़ा पीछे होके फोटो खींचे, सभी आ जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, आप पीछे हो गए, आप थोड़ा पीछे हो जाए, आप चेहरा उधर कर लो, पीछे फोटो सर थोड़ा इधर देख लिया जाए, देख लिया जाए सर, फोटो हम लोग का हो जाएगा। सर थोड़ा इधर एक बार देख लिया जाए, ठीक है इसको ले जाओ, इसको बाहर ले जाइए। अगर ये लोग फोटो लेगा तो रखा, हाँ हाँ वही यही रखना, रहो यही रहो, दिनांक शाम दिनांक 21/7/2022 को एक सूचना मिली थी पुलिस को कि पुलिस लाइन परिसर में जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है, आवासीय परिसर है, उसके एक फ्लैट में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना थी।
उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्पॉट पे पहुंचा गया तो पता चला कि हमारे ही कार्यालय में एक महिला पुलिसकर्मी जो कार्यरत थी वो अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रहती थी, उनके साथ उनकी एक बेटी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी और उन तीनों का डेड बॉडी मिला। उसके बाद गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी आईपीएस अफसर श्री शुभांशु जैन कर रहे थे और इनका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। उसमें हमारे जिला में पदस्थापित डीएसपी हेडक्वार्टर 2, डीएसपी सीसीआर, टेलको थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी एवं बहुत सारे काबिल सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी को लगाया गया था। चूंकि एक काफ़ी सनसनीखेज मामला था, पुलिस लाइन के परिसर में, आवासीय परिसर में ही ये घटना हुआ था, तो इसमें प्रोफेशनली काम करते हुए टेक्निकल टीम को भी अलग अलग तरीके से लगाया गया था। फॉरेंसिक की टीम को लगाई गई थी फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे चीज़ टेक्निकली डेवलप करने के लिए। जो सारे अनुसंधान के बाद हम लोगों ने लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा किया और उसमें चीज़ें जो सामने आई है वो ये है कि ये जो महिला जो कर्मी थी पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी, इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग एक डेढ़ महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है, उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि या तो जो लड़का है जो जिनसे इस महिला कर्मी का संबंध या दोस्ती बना है उसको रास्ते से हटाना है और बेसिक प्लानिंग यही थी। उसी प्लानिंग के दौरान हमेशा की तरह ये उस क्वार्टर में 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहाँ साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब वो महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है, अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बाहर निकल करके और जो क्वार्टर है उसका ताला लॉक करके, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करता था, इसको सब कुछ पता था, तो ताला लॉक करके फिर वहाँ से निकल जाता है और इसकी सूचना किसी को नहीं लगती है, इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है। और जब इसकी महिला कर्मी की खोजबीन होने लगती है और उसके बाद जब अगल बगल के लोग जानते हैं कि ये दो दिन से क्वार्टर से बाहर नहीं निकल रही है या फिर ऑफिस में भी नहीं आ रही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है, पुलिस को सूचना मिलती है और ये इस प्रकार की घटना फिर हम लोग ये पता चलता है। तो यही पूरी घटनाक्रम है। इसमें एक ही जो हमारा चालक आरक्षी है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके ही निशानदेही पर जिस लोहे के रड, जो गियर लीवर है बेसिकली, उससे जो वार किया गया है उसको भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है उस चालक आरक्षी के निशानदेही पर। घटना के समय जो चालक आरक्षी कपड़ा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया है और जो मोबाइल का इस्तेमाल करता था चालक आरक्षी उसको भी जब्त किया गया है। बाकी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग अनुसंधान के दौरान उपयोग में लाएंगे और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। थैंक यू। ये घटना हुई है 19 और 20 की इंटरवीनिंग नाइट्स में। सर, ये ड्राइवर ही हुआ ना? यस, ड्राइवर ही ना? यस, इस जिले का चालक आरक्षी। सर, ये किसी तरह का आवाज, सर जैसा बता रहे कि रट मार रहा है तो शोर बोर होना चाहिए आसपास, लोग बताते हैं कि कुछ आवाज नहीं आई, तो किस तरह की मतलब राहत है? कुछ नशीला है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि रात को 12-1 बजे की ये घटना है, जो चालक आरक्षी है वहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना करते थे तो उनके जाने से कोई संदेह उत्पन्न वैसा हुआ नहीं उस दिन। प्लस गर्मी का दिन है, हर घर में फैन चलते रहता है, एसी भी चलते रहता है, उससे आवाज़, लोग सोए भी रहते हैं, अमूमन आवाज़ नहीं आती है। और ये जब महिला कर्मी को मारा, डेफिनेटली उनके घर के लोग उठ गए आवाज़ सुन करके, उसको भी मार दिया। उसके बाद जो बूढ़ी माता जी आई उनको भी मार दिया। और फ्लैट भी काफ़ी अलग अलग है, अगर आप फ्लैट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कॉर्नर के रूम में जहाँ घटना हो रही थी
तो वहां से किसी दूसरे फ्लैट में आवाज जाना रात को 1 बजे जहां सब लोग सोए हो, तो ये पॉसिबल है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा? सर, ये पहले से तय कर लिया था सर कि मारना या झगड़ा के बाद अचानक ये घटना हुई, ये प्लान था? जैसा इनकी इसका प्लानिंग था, ये प्लानिंग ये था कि जिस लड़के से उक्त महिला पुलिसकर्मी की दोस्ती थी उसको रास्ते से हटाना है, ये ग्रज इस बात का था। इस महिला को मारने का कोई प्लान नहीं था, वो एट रैंडम आउट ऑफ रेज कुछ बात हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बारे घटना घटी। क्या वास्तव में था क्या ऐसा कोई लड़का जिसके बारे में इस चीज पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर्सनल मैटर है, जो घटना हुई है उसके संदर्भ में इतना ही बताना था मुझे। रॉड सर पहले घर में था कि वो लेकर आया? नहीं, पहले से वहाँ रखा हुआ था। हत्या करके रात को ही निकल गया कि सुबह में? रात को ही निकल गया। कहाँ चली गई गिरफ्तारी? क्या गिरफ्तारी? जमशेदपुर से हुई गिरफ्तारी, यहीं से हुई है जमशेदपुर से। जिसको मारना चाहता था वो भी बाकी 6 लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, सभी को साक्ष्य नहीं मिलने और घटना में संलिप्त नहीं होने के कारण सभी को छोड़ दिया गया। जिसको मारने की योजना थी वो कौन है सर, वो भी पुलिस में है या कोई ऐसे कोई? देखिए, इसमें एक्चुअली जो महिला हमारी महिला पुलिसकर्मी है जिनकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसा कुछ भी पब्लिक करना उचित नहीं होगा जिनसे उनके पर्सनल लाइफ पे या उनके करेक्टर पे किसी प्रकार का कोई दाग हो। तो ये घटना हुई है, उस घटना के बारे में आई थिंक जो डिटेल्स मैंने बताया है वो सफिशियंट है। इसके अलावा मैं भी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर्सनल लाइफ में ना जाए तो उचित रहेगा। घर से कुछ जेवर या कैश नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मुड़ी पुलिस का सीसीटीवी नहीं लगा था, लगातार अपील करते कि सीसीटीवी लगाने के लिए, लेकिन वहीं पे सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। जी, ये बात सही है, वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी सीसीटीवी वहाँ भी लगा दी जाएगी। एक तो कोई बगल में जा सकता था ना, तो घटना होती तो 3 लोग हैं तो क्या मान लीजिए अगर वो झगड़ा करे तो अगल बगल जाके बुला सकते थे ना, कोई 3 लोग थे घर में। नहीं, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है पहले जिसके ऊपर वार किया गया उसको बचाने का, और उस बचाने के क्रम में जो लोग जाए उनको भी घायल कर दिया जाता, तो ये और ये सब बहुत ही कम समय में होता है, कोई बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। घटना को अंजाम देने के बाद ये घर चल गया था कि कहीं और गया? घटना को अंजाम देने के बाद ये कहीं जा करके छुप गया था और वहाँ रात बिताने के बाद फिर अपने घर गया। तो ये तो ड्यूटी नहीं आ रहा था, आप लोगों को ऑफिस में शक हो गया होगा इसको? नहीं, ड्यूटी आ रहा था। ड्यूटी आ रहा जी। सर, ये पूरा घटना के बाद क्या मैसेज निकल गया था, किस तरह से लोगों को सतर्क करना चाहिए? देखिए, एक जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सिविक क्राइम टाइप का है और इन्हें फिट रेंज में हुआ है ये घटना, तो ऐसे कोई पब्लिक को मैसेज किसी प्रकार की कोई सतर्कता के लिए नहीं है। बस यही मैसेज है कि आप अपने दोस्तों से या जो भी अगर आपके किसी प्रकार का कोई फ्रिक्वेंट लोग आते हैं जो घर में आते हैं, जान पहचान रखिए, सतर्क रहिए, और इसमें इससे ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन एनीथिंग। लड़का बताया इसके बारे में? कौन लड़का? ये जो दूसरा लड़का, वो बताया था आप लोगों को? नहीं, अब कैसे पता चला ये छोड़ दीजिए। घटना से पहले क्या कोई फिजिकल रिलेशन बना? नहीं नहीं, नो। सर, ये अक्सर आना जाना करता था उसके घर में, रात में रुकने का या सर कुछ प्रोग्राम? ये बातें सामने आ रही है, ऐसी बात सामने आ रही है। ये रात को रुकता था? यस। अपराधी का नाम है रामचंद्र सिंह जामुदा। ये शादीशुदा था क्या? हाँ, शादीशुदा था। सोनारी में कहाँ पे रहता है? सोनारी में कागल रंगन, कागल नगर, सागल नगर में रहते हैं। माँ बेटी को जानकारी था क्या सर कि आता था इस तरह? हाँ हाँ, जानकारी था इनके फुल फैमिली को। कहाँ? वहाँ मृतिका के आवास में, अराउंड 10:30। जी, लेके गया था, रखा हुआ था, और चूंकि चालक है, चालक इन सब इंस्ट्रूमेंट से वाकिफ है और बहुत सारे गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स खुलते रहते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल है उसके लिए, वो लेके रखा था। उसी दिन लेके गया? नहीं नहीं, पहले से रखा हुआ था। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, इसकी प्लानिंग थी उस लड़के को हटाने का, और ये जो घटना हुई है ये सडन मोमेंट में हुई। रात को अगर कोई 2-2.5 बजे निकल रहा है लॉक करके आसानी से, तो सब लोग सोए रहते हैं फ्लैट में। कौन लड़का? नहीं नहीं, अगेन मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, घटना से घटना के क्रम में जो चीजें है उस पर लिमिटेड रही है, बाकी मैं जाना ठीक नहीं। नाम नहीं बताइए सिर्फ, ये मतलब पहली बार रात के वक्त आना जाना हो जाता है क्या, या कोई गार्ड वगैरह इसको देखा था उसको?
ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हमारे अनुसंधान में काम आएगी, किसने देखा किसने नहीं देखा, तो मैं यहाँ ये बताना उचित नहीं समझता। नहीं नहीं को ड्यूटी में था, नहीं नहीं आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। वो एक यहाँ ट्रेडिशन है जो हमारे पुलिस एसोसिएशन के लोग हैं, वो अपने तरफ से कोई अगर पुलिस के कर्मी मरते हैं तो उनको एक इनिशियल सहयोग राशि के रूप में दी जाती है, तो वो एसोसिएशन के तरफ से है। बाकी जो सरकार का प्रावधान है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी होगा वो अब आगे किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सब कोई चैम्बर में चलो, ठीक है, थैंक यू।